बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बिनाइन का मतलब है कैंसर नहीं होना। प्रोस्टेट एक पुरुष में पाए जाने वाले एक ग्लैंड है और हाइपरप्लेजिया का मतलब ग्रोथ और एनलार्जमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर अजय शेट्टी। मैं मणिपाल हॉस्पिटल हिब्बाल में लीड कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये कंडीशन जो पुरुषों में पाते हैं और सबसे कॉमन बीमारी है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के पेशेंट्स में। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एक ऐसी बीमारी है जो पुरुषों में पाई जाती है प्रोस्टेट से संबंधित। नाउ प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि है, अखरोट के साइज का ग्रंथि है, जो पेशाब का जो थैला है, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं, उसके ठीक नीचे पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से जो पेशाब की नली निकलती है, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, उसको पहले प्रोस्टेट से गुजरना पड़ता है, फिर बाहर आता है। सो पेशाब भी उसी तरह से ब्लैडर में स्टोर होता है, प्रोस्टेट से गुजर के फिर बाहर आती है। नौ 50 की उम्र के बाद हर पुरुष में ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ना चालू हो जाता है, जिस वजह से पुरुषों में पेशाब की दिक्कत चालू हो जाती है। 50 की उम्र के बाद हम हर पुरुष को कहते हैं प्रोस्टेट के लक्षण को ऑब्जर्व करते रहें। नाउ क्या सिम्टम्स हैं इसके? शुरुआत में ये होता है कि जब प्रोस्टेट पेशाब की नली को दबा देती है तो पेशेंट को पेशाब की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। शुरू में ये होता है कि पेशाब की जो धार होती है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। पेशाब करने के लिए मरीज़ को बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, रात में भी उठने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी पेशेंट्स को पेशाब कंट्रोल करने में दिक्कत होती है और बाथरूम जाते जाते कभी कभी पेशाब निकल जाता है। कभी कभी लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन के सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, पेशाब में जलना, पेशाब में दर्द होना या पेशाब में ब्लीडिंग आना। सो कभी भी पेशाब रिलेटेड कोई भी सिम्टम हो तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपना प्रोस्टेट का इलाज करा लीजिए, इवैल्यूएशन करा लीजिए और जो भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है उसको बहुत जल्दी कर लीजिए, डिले नहीं कीजिए। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता, ज़्यादातर ये डिपेंड करता है अपने जेनेटिक्स के ऊपर। जैसे अगर मेरे पिताजी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था तो यही बीमारी मेरे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसका मेन कनेक्शन होता है अपना जेनेटिक्स। कई लोगों में ये होता है कि जेनेटिक्स का प्रॉब्लम ही नहीं होता और उनमें प्रोस्टेट का ग्रोथ बहुत स्लो होता है, और जिनको ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है उनके अंदर प्रोस्टेट का ग्रोथ बहुत जल्दी चालू हो जाता है। अगर बीमारी जल्दी पकड़ में आती है तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरू में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद दवाइयों का सजेशन देते हैं। ये दवाई करता क्या है? ये प्रोस्टेट को रिलैक्स करता है, प्रोस्टेट के मसल को रिलैक्स करता है ताकि पेशाब की नली खुल जाए और यूरिन का फ्लो में सुधार आ जाए। ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो प्रोस्टेट को साइज़ बढ़ने से कम करती है, प्रोस्टेट को घटाती है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है प्रोस्टेट को रिलैक्स करना और उसके साइज़ को घटाना। लेकिन अगर पेशेंट बहुत लेट आ जाता है तब ऐसे स्टेज में दवाइयों का असर नहीं होता, उन पेशेंट्स में हम सर्जरी का एडवाइस देते हैं। सर्जरी दो टाइप का है। एक जो सबसे कॉमन सर्जरी है जिसको TURP बोलते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, उस सर्जरी में हम बाइपोलर टेक्नोलॉजी से प्रोस्टेट का ऑपरेशन करके अंदर से प्रोस्टेट के चैनल को निकाल के रास्ते को बड़ा कर देते हैं। और दूसरा सर्जरी जो बहुत अभी प्रेवलेंस में है उसको लेज़र सर्जरी बोलते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बाइपोलर टेक्नोलॉजी प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है लेज़र सर्जरी से। नाउ ये दोनों सर्जरी एंडोस्कोपिक मेथडोलॉजी से होता है तो चीरफाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के अंदर से प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है और बाहर कोई इंसिशन नहीं होता, तो पेशेंट का रिकवरी बहुत जल्दी होता है, 2-3 दिन में पेशेंट्स घर जा सकते हैं। लेज़र का सिर्फ यही बेनिफिट है कि अगर प्रोस्टेट का ग्लैंड बहुत बड़ा है, मोर देन 100 grams, तो लेज़र सर्जरी रेगुलर बाइपोलर सर्जरी से बेहतर होता है।
लेकिन अगर प्रोस्टेट का साइज मॉडरेट है 50-60-70 ग्राम तो बाइपोलर सर्जरी इज इक्वली सेफ। प्रोस्टेट ऐसी बीमारी है जो अपने को निग्लेक्ट नहीं करना है। जैसे ही शरीर ने लक्षण दे दिए और आपको पता लग रहा है कि पेशाब की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, माई रिकमेंडेशन इज इमीडिएटली उसका इवैल्यूएशन करा लीजिए ताकि हम प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ में लाएं, उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट चालू करें। अगर ट्रीटमेंट जल्दी चालू किया तो आगे जाके सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्जरी यूजुअली ऐसे पेशेंट्स में ज़रूरत पड़ती है जिसमें बीमारी बहुत लेट डायग्नोज हुआ है और दवाइयों का असर अभी होने वाला नहीं है। सो, कभी भी बॉडी के कोई भी सिग्नल्स हों प्रोस्टेट को लेके, उसको इमीडिएटली मिलिए अपने डॉक्टर से, इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लीजिए ताकि आगे जाके आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़े। ये बीमारी को हम ट्रीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं।